सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक विद्यालय में बेंच पर बैठने को लेकर कुछ छात्राएं आपस में जमकर मारपीट कर ली, जिसमें दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र की राजकीय मध्य विद्यालय चौकी हसन मोतीहाता में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक विद्यालय में बेंच पर बैठने को लेकर कुछ छात्राएं आपस में उलझ गई। बात धीरे धीरे बढ़ती गई। इस दौरान एक गुट की छात्राओं ने दूसरी गुट की छात्राओं को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहां उपस्थित शिक्षकों ने कैसे भी बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। वहीं घायल छात्राओं में चौकी हसन निवासी मोहम्मद अली टोला गांव की इकरामुल हक की पुत्री गुलसब्बा खातून एवं चौकी हसन बंगरा टोला निवासी जाकिर हुसैन की पुत्री मुस्कान परवीन है, जो दोनों राजकीय मध्य विद्यालय चौकी हसन मोतीहाता में आठवीं वर्ग की छात्राएँ हैं। दोनों घायलों का इलाज अब सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल छात्रा गुलसब्बा खातून ने बताया कि मैं प्रत्येक दिन की भांत आज भी विद्यालय गई हुई थी, तो मेरे युवर की रानी अंगूरी एवं चंदा आगे के बेंच पर बैठने के लिए उलझ गई, और जैसे ही हम इसका विरोध किए तो रानी अंगूरी एवं चंदा मुझे मारने पीटने लगी। बीच बचाव करने पहुंची मेरी सहेली मुस्कान परवीन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन मौजूद शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। जब हम दोनों विद्यालय से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, तो रानी अंगूरी एवं चंदा के पूरे परिवार वालों ने रास्ते में घेर कर हम दोनों की पिटाई की, जिससे हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हो हल्ला करने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण भी पहुंच गए, तब जाकर हम दोनों की जान बच पाई। घायल छात्रा मुस्कान परवीन की माँ अरस खातून एवं गुलसब्बा खातून की माँ खुदेजा खातून ने कहा कि बच्चों के विवाद में आखिर परिजनों ने घेर कर बेरहमी से पिटाई क्यों की। दोनों घायलों के परिजनों ने कहा कि मारपीट की घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान में एक विद्यालय में बेंच पर बैठने को लेकर कुछ छात्राएं आपस में जमकर मारपीट कर ली, जिसमें दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज अब सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र की राजकीय मध्य विद्यालय चौकी हसन मोतीहाता में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक विद्यालय में बेंच पर बैठने को लेकर कुछ छात्राएं आपस में उलझ गई। बात धीरे धीरे बढ़ती गई। इस दौरान एक गुट की छात्राओं ने दूसरी गुट की छात्राओं को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहां उपस्थित शिक्षकों ने कैसे भी बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। वहीं घायल छात्राओं में चौकी हसन निवासी मोहम्मद अली टोला गांव की इकरामुल हक की पुत्री गुलसब्बा खातून एवं चौकी हसन बंगरा टोला निवासी जाकिर हुसैन की पुत्री मुस्कान परवीन है, जो दोनों राजकीय मध्य विद्यालय चौकी हसन मोतीहाता में आठवीं वर्ग की छात्राएं हैं। दोनों घायलों का इलाज अब सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल छात्रा गुलसब्बा खातून ने बताया कि मैं प्रत्येक दिन की भांत आज भी विद्यालय गई हुई थी, तो मेरे युवर की रानी अंगूरी एवं चंदा आगे के बेंच पर बैठने के लिए उलझ गई, और जैसे ही हम इसका विरोध किए तो रानी अंगूरी एवं चंदा मुझे मारने पीटने लगी। बीच बचाव करने पहुंची मेरी सहेली मुस्कान परवीन के साथ भी मारपीट की गई, लेकिन मौजूद शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। जब हम दोनों विद्यालय से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, तो रानी अंगूरी एवं चंदा के पूरे परिवार वालों ने रास्ते में घेर कर हम दोनों की पिटाई की, जिससे हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हो हल्ला करने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण भी पहुंच गए, तब जाकर हम दोनों की जान बच पाई। घायल छात्रा मुस्कान परवीन की माँ अरस खातून एवं गुलसब्बा खातून की माँ खुदेजा खातून ने कहा कि बच्चों के विवाद में आखिर परिजनों ने घेर कर बेरहमी से पिटाई क्यों की। दोनों घायलों के परिजनों ने कहा कि मारपीट की घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। I'm not going to be able to do that.
क्या करने आते हैं हम लोग? 100% लड़ते हैं।